बच्चों प्रश्न इस प्रकार से भी पूछते हैं। ये प्रश्न देखिए आप, ये प्रश्न क्या कहता है, यदि टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस फोर प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू पाई बाई फोर हो तो सिद्ध कीजिए, या कहते हैं तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए कहता है। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं, और हल समीकरण हल का मतलब ही क्या है, उसमें जो अज्ञात राशि है, चर राशि है, उसका मान ज्ञात करना, तो x का मान ज्ञात करना है। सिंस हमको दिया क्या है, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टू बाई एक्स माइनस फोर प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू पाई बाई फोर। तो बच्चों इस समीकरण को हल करना है, यानी दोनों पक्षों को साथ लेकर के चलना है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसको एक्स मानिए, इसको वाई मानिए, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का रूप दिख रहा है। तो ये फार्मूला जो है आपको ध्यान पर रखना है, ये फार्मूला क्या है बच्चों, साइड में लिख लेते हैं, सिंस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, जहाँ एक्स वाई इज लेस देन वन, ये ध्यान रखना है। तो चलिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये पूरा x और ये y है, तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस फोर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस फोर अपॉन वन माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस फोर और इज इक्वल टू पाई बाई फोर। ऐसा करने से एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में चेंज हो गया। अब बच्चों हम इसको हल करते हैं, तो दोनों पक्षों का टेन ले लिया, दोनों पक्षों का टेन लेंगे तो इधर टेन हट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, टेन पाई बाई फोर हो जाएगा। इधर टेन लिया, टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ दिस, तो टेन टेन इनवर्स सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से हट गया। अब इसको सरल कर लीजिए, तो ये आता है बच्चों x माइनस टू लघुत्तम ले लेंगे, x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर इंटू, है ना, एलसीएम हो गया, लघुत्तम हो गया, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस फोर प्लस एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर और इसका एलसीएम है x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर और इसके अपान पे है, इसका हर हो जाएगा, इसका भी एलसीएम एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर और माइनस एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू और इसके अपान में हो जाएगा एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर, जो दोनों का जो हर है वो समान होने का कैंसिल आउट हो गया। अंश को हम हल करते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स माइनस एट, इसको गुना कर दिया, फिर प्लस इसको ही गुना कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस एट। नीचे भी हल करते हैं
ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा देंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर 16। और यहाँ भी फार्मूला लगा देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस बी स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर 4। और टेन पाई बाई 4 होता है 1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ये चला गया, ये भी चला गया, माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16 और इज इक्वल टू ये 1 के साथ गुना हो गया यहाँ के साथ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसमें ये चला गया और इसमें माइनस 16 इधर भी माइनस 16 ये भी चला गया। अब क्या बच गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई 2 दैट इज 2, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, देयर एम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगाना पड़ेगा। x के ये दो मान आए बच्चों, अब हमको देखना है कि इसमें से कौन सा सही है, पॉजिटिव सही है, निगेटिव सही है या दोनों सही है, ये हमको तय करना है। तो इसके लिए हमारा शर्त का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखते हैं बच्चों, क्या होना चाहिए। परंतु इन दोनों का गुणनफल लेस देन 1 होना चाहिए, तो इन दोनों को गुना करिए, x माइनस 2 अपान एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 अपन एक्स प्लस 4 लेस देन 1 होना चाहिए। तो ऊपर क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 1 होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा सही है, x का मान रख करके देखिए, जैसे रूट 2 देखते हैं, रूट टू पहले प्लस 2 एक्स बराबर प्लस रूट 2 लेते हैं, या चूंकि स्क्वायर है तो दोनों ले लीजिए आप, प्लस माइनस दोनों रखते हैं तो प्लस माइनस रूट टू का स्क्वायर 2 माइनस 4, ये भी हो जाएगा 2 माइनस 16। ये सही है कि नहीं है, दोनों के लिए सही है कि नहीं है, एक साथ रख करके देख सकते हैं। ये हो गया माइनस 2 और ये हो गया माइनस 14, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना 1/7। क्या 1/7 एक से कम है, हाँ है, जो सत्य है सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दोनों मानों को ये संतुष्ट कर रहा है, तो ये अभीष्ट हल होगा, दोनों मान प्लस रूट टू और माइनस रूट टू। तो इस प्रकार से अभीष्ट हल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स ऑफ 6x माइनस 8x क्यूब बाई 1 माइनस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स ऑफ 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 2x, ये लगाना है। और जहां मॉड ऑफ 2x इज लेस देन 1/√3। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम त्रिकोणमिति उचित प्रतिस्थापन द्वारा इसको सरल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 10 इनवर्स ऑफ 6x माइनस 8x का क्यूब बाई 1 माइनस 12x स्क्वायर माइनस ऑफ 10 इनवर्स ऑफ 4x अपॉन 1 माइनस 4x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान रखना है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y लगेगा यदि डायरेक्ट लगाते हैं उसी स्थिति में आपको कंडीशन, लेकिन यदि हम उचित प्रतिस्थापन करते हैं यहाँ पर
ये समझना है कि मान लेते हैं 2x को यदि हम tan थीटा मानते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं 2x की जगह पर, तो इसका रूप देखिए किस रूप में आ रहा है, 2x इक्वल टेन थीटा, देयर एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x। ये हम प्रतिस्थापन करते हैं बच्चों, तो इसका रूप क्या हो जाएगा देखिए, थोड़ा इसको अरेंज करते हैं 2x के टर्म्स में अरेंज करते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापित करते हैं, tan इनवर्स ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2x, ध्यान दीजिए, और ये क्या है बच्चों माइनस 2x का क्यूब है, और भाई 1 माइनस, अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए, इसका अरेंजमेंट कैसा हो सकता है 3 इंटू 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, ऐसा ही हम इसको भी लिख सकते हैं, ये हो सकता है बच्चों 2 इंटू 2x अपॉन 1 माइनस 2x का स्क्वायर। अब प्रतिस्थापन 2x की जगह में tan थीटा रखिए तो इसका रूप स्पष्ट हो जाता है, क्या है बच्चों 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाता है tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए बच्चे यहाँ पर, यदि आप इस व्यंजक को इस रूप में और इस व्यंजक को इस रूप में लिखते हैं तो ये उचित प्रतिस्थापन से ये सरलतम रूप में आ जाता है। ये देखिए क्या हो जाता है, ये किसका फार्मूला है tan 3 थीटा का, ये किसका फार्मूला है tan 2 थीटा का, तो इसका रूप देखिए बच्चों, ये हो गया आपका tan 3 थीटा माइनस ये हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। अब हम सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये बन गया 3 थीटा माइनस ये 2 थीटा दैट इज थीटा, ठीक है, यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x लगा दिया, ठीक है। अब थीटा का मान वापस रखिए तो थीटा का मान वापस क्या है इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।